बड़ी खबर के साथ ब्रेकिंग न्यूज से आपको रूबरू करा दें जो इस बीच सामने आ रही है। ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी केस में हाईकोर्ट का फैसला आया है। अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी की याचिका खारिज कर दी गई है। मुस्लिम पक्ष की अर्जी हाईकोर्ट ने की है खारिज। मेंटेनेबिलिटी को चुनौती देने वाली याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। कोर्ट में श्रृंगार गौरी का केस चलता रहेगा। हाईकोर्ट ने 23 दिसंबर को फैसला सुरक्षित किया था और अब फैसला सामने आ गया है, यानी कहीं ना कहीं अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी की याचिका खारिज हुई है। बड़ा झटका लगा है हाईकोर्ट की ओर से उन्हें। मुस्लिम पक्ष की अर्जी को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है और इस फैसले के बाद कोर्ट में श्रृंगार गौरी का केस लगातार आगे भी चलता रहेगा। 23 दिसंबर को फैसला सुरक्षित किया गया था हाईकोर्ट की ओर से और अब फैसला सुनाया गया है। इस वक्त की बड़ी जानकारी, अहम खबर आपको बता रहे हैं। मेंटेनेबिलिटी का यह पूरा मामला था जिसको लेकर याचिका दाखिल की गई थी। कार्बन डेटिंग की बात भी की, कार्बन डेटिंग मत कहिए, मैंने वैज्ञानिक जांच की बात की है और वैज्ञानिक जांच के लिए प्रार्थना पत्र दिया है और वो मामला माननीय सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। पहले भी सर आपका जजमेंट आपके फेवर में आया था, अभी जजमेंट फेवर में क्या आता है इसके साथ? हम बोलना चाहते हैं कि वहाँ मंदिर बने और हम उसी तरफ आगे बढ़ रहे हैं। और सैयद मोहम्मद आमिर हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के लिए इस मामले पर। सैयद, मुस्लिम पक्ष को कहीं ना कहीं आज हाईकोर्ट की ओर से बड़ा झटका लगा है, उनकी एक अर्जी को खारिज कर दिया गया है जो मेंटेनेबिलिटी को चुनौती दे रही थी। तो आपको बता रहे हैं किस तरह से महत्वपूर्ण खबर सामने आई है। ज्ञानवापी मामले में बड़ा अपडेट आज आया है। हाईकोर्ट में श्रृंगार गौरी केस में मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज किया गया है। इस वक्त की बड़ी जानकारी, मेंटेनेबिलिटी को चुनौती देने वाली याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी ने दाखिल की थी। जिला जज वाराणसी के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी, हालांकि हाईकोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया है। बड़ी खबर, अहम जानकारी इस वक्त की आपको बता रहे हैं।